नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के जनपद कानपुर देहात के अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाला एक किसान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है कि जिले में पहली बार अमेरिकन केसर की खेती किसानों ने शुरू की है। किसान ने पीएम मोदी की मन की बात से प्रभावित होकर और यूट्यूब की मदद से अमेरिकन केसर की खेती शुरू की, जिसके बाद से किसान चर्चा का विषय बन गया और लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आया। वहीं जिले के अधिकारी भी किसान के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और किसान को और प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। जी, आपको बता दें, कानपुर देहात जिले के सरवनखेड़ा विकास खंड के अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हिलौठी के रहने वाले किसान इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। किसान ने देश के प्रधानमंत्री की मन की बात से प्रेरणा लेते हुए आत्मनिर्भर होने का सपना पूरा करके दिखाया। सभी किसानों से हटकर खेती किसानी में कुछ अलग करके समाज और सभी किसानों के लिए नजीर बनकर सामने आया है। दरअसल सरवनखेड़ा विकास खंड क्षेत्र के हिलौठी गाँव के रहने वाले किसान चंद्रभूषण ने परंपरागत खेती से हटकर एक बीघे में अमेरिकन केसर की फसल तैयार की। चंद्रभूषण ने अमेरिकन केसर की खेती करने का कार्य पीएम मोदी की मन की बात से प्रभावित होकर यूट्यूब की मदद से शुरू की। किसान चंद्रभूषण ने बताया कि सोशल मीडिया से केसर की खेती करने के तरीके सीखे, जिसके बाद कश्मीर से ऑनलाइन बीज मंगा कर बुआई गई, फिर उसकी देख रेख भी यूट्यूब में बताए गए तरीके के अनुसार कर रहे हैं, जिसके बाद अमेरिकन केसर की फसल लहलहा रही। अब आसपास क्षेत्र के किसान भी देखने के लिए तेजी से पहुंच रहे हैं। हिलौठी गांव के इस किसान चंद्रभूषण की अनोखी पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं किसान चंद्रभूषण ने बताया कि एक बीघे में 10 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। मदन सिंह जी, क्या मानते किस तरह के ये हमारे यहाँ जो है कानपुर देहात में पहली बार खेती की गई केसर की, और यूट्यूब के माध्यम से जो है खेती जो है जानकारी करके जो है की जा रही है। इसकी जो है यूट्यूब के माध्यम से पता लगता है कि इसकी 7-8 लाख की जो है पैदाइश होगी इसकी जो है। थोड़ा सा क्या नाम है आपका? मैं चंद्रभूषण सिंह, हिलौठी गांव कानपुर देहात से। चंद्रभूषण जी, किस तरीके से प्लान आया कि केसर खेती करनी है आपको? सर, ये मुझे लगा कि परंपरागत खेती जो हम लोग कर रहे थे बुजुर्गियत, उससे लगा कि कुछ हट करके किया जाए, और उसको करने के लिए यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च किया और मुझे ये दिखाई दिया कि केसर की खेती यहाँ पर उत्तर भारत में हो सकती है, और उसी हिसाब से मैंने जो है उसको एड्रेस वगैरह ढूंढ करके एक कुरियर व्यवस्था से बीज वगैरह मंगाया और इसकी एक अच्छे से जुताई करा करके खेत की, और इसकी जो है बीजों को एक एक फुट पर मैंने बुआई कराई, और लगभग ये 3 महीने पूरे हो चुके हैं और 5.5 महीने की फसल है, और अनुमान है कि इससे एक अच्छी आय हो सकती है जो हमारे धान गेहूं से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, और मेरे 2 भाई और हैं, उनके सहयोग से ये सब होता रहता है। हम सरवनखेड़ा विकास खंड के एक किसान जो है केसर की खेती कर रहा है, उसको किस तरीके से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरवनखेड़ा विकास खंड जो हमारा है, वहाँ पे हितौली गांव में चंद्रभूषण एक किसान हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है आत्मनिर्भर भारत का। उनसे बातचीत करने पे पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से प्रेरणा लेके और यूट्यूब के माध्यम से सीख के उन्होंने केसर की खेती शुरू की है, और बहुत बढ़िया इस समय केसर की वो फसल उगा रहे हैं। केसर, आप जैसे जानते हैं, एक बहुत हाई यील्डिंग क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, और इससे उनके आय में भी बढ़ोतरी होगी। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हर किसान की आय दुगनी हो, इसमें भी वो मदद मिलेगी, वो एक प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे अपने गाँव के और पूरे जनपद के सभी किसानों के लिए, कि इस तरह से अगर किसान प्रगतिशील सोच रखे तो अपनी आय को बढ़ा सकता है और सुख और समृद्धि का जीवन जी सकता है। इस किसान से मन काम पर यहाँ के किसानों को क्या संकेत मिलेगा? इनसे, जैसा मैंने बताया, यही प्रेरणा मिलेगी सबको कि किस तरह से अगर स्व प्रेरणा हो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके उन्होंने सिर्फ बैठे बैठे यूट्यूब से सीख के केसर की खेती शुरू कर दी, तो सभी किसान अगर जागरूक रहें, किसान गोष्ठियों में प्रतिभाग करें, हमारे किसान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क में रहें, तो जैविक खेती और नए तरह की खेती परंपरागत खेती के अलावा करके वो लोग अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो
सरकार के द्वारा कुछ उसको लाभ दिया जा रहा है? हाँ, जिला उद्यान अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी जो दोनों हमारे अधिकारी हैं, कृषि और उद्यान विभाग की तमाम योजनाएं जो चल रही हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार भी कराया गया था। इनको हम लोग प्रशस्ति पत्र भी देंगे आने वाले समय में, जो गोष्ठियाँ होंगी किसान की, तथा जो भी सब्सिडी अनुदान वगैरह होते हैं वो इनको उपलब्ध कराया जाएगा एक प्रगतिशील किसान होने के नाते। इंडियन क्राइम न्यूज़ के लिए कानपुर देहात से संवाददाता संदीप कुशवाहा की खास रिपोर्ट।